सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नई GTA 5 की वीडियो में। तो गाइस, आप सभी के सामने माइकल है एंड आप सभी को गाइस पता ही होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर क्या हो गया था हमारे साथ। हम भाई बहुत मुश्किल से 2 साल बाद गाइस कायो परिगो से निकले थे एंड यार जो वहाँ का मतलब एलरूबियो का बंदा था ना, जो मुझे देखता था वगैरह और मारता पीटता भी था ना भाई, वो मेरा पीछा करते करते लॉस सैंटोस भी आ गया। अब पता नहीं गाइस वो कहाँ पर है, बट मैं पीछा छोड़ा करना गाइस सैडिशोर से आ गया था। क्यों? क्योंकि गाइस अभी देखो यार, अपने फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं पता कहाँ पर है, क्योंकि यार फ्रेंड्स वगैरह भी ना उसी ने किडनैप कर रखे थे एलरूबियो ने मेरे से पहले, और आज तक मुझे पता नहीं लगा कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहाँ हैं। तो यार मैं इसे लेना यहाँ पर ट्रैवर के फ्रेंड रॉन की हेल्प लेने आया हूँ। तो यार हमें ना जब भी जाकर तो देखना ही पड़ेगा यहाँ से कि यार मतलब यार अपना जो रॉन फ्रेंड है, अपना भी फ्रेंड है, ट्रैवर का भी फ्रेंड है, ठीक है, तो वो यार हमें मिलेगा कहाँ पर। ऊपर से यार वो हेल्प कर भी पाएगा या नहीं, और उसको पता भी है इसके बारे में कि ट्रैवर गया कहाँ है। वैसे यार 2 साल से गायब है, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है उसको कुछ तो शक पड़ ही गया होगा कि यार ट्रैवर गया तो गया कहाँ पर। बट गाइस लेट्स सी कि क्या ही बनता है यार। अभी तो यार हमें जा करना यार देखना पड़ेगा रॉन को, क्योंकि रॉन का घर जितना तक मुझे पता है ना वो गाइस ट्रैवर के घर के साइड वाले घर के अंदर ही है। बाकी लेट्स सी कि गाइज मतलब वहाँ पर रह भी रहा है या नहीं या कहाँ चलेगा, मुझे पता जैसे मर्जी करके ना करवाना पड़ेगा। बट जितना तक मुझे पता है ना भाई, वो ड्राइवर के घर के साइड वाले घर में रहता था। बाकी ये रहा ड्राइवर का घर और ये रहा गाइज रॉन का घर। भाई यहाँ पर तो कोई दिख भी नहीं रहा, ऊपर से इसकी रॉन की गाड़ी भी गाइज कैसी सी हो रखी है, जंग लग लग के पता नहीं टूटी फूटी पड़ी हुई है। ये मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ ऐसा। एक सेकेंड एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर जा करना गाइस देखना पड़ेगा कि सीन क्या है यहाँ पर। एक मिनट, ये घर था मुझे जितना पता है, क्योंकि यार हमने बहुत पहले मतलब हाइश वगैरह बहुत ही किए हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा। एक सेकेंड, इसका गेट तो खुला हुआ पर पीछे लगता कुछ है कि जिससे ये गेट खुल नहीं रहा है। अरे यार ये गेट क्यों नहीं खुल पा रहा यार गाइस, मैं धक्का लगाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ऊपर से कुछ इसके ग्लास वगैरह भी टूटे हुए हैं। एक सेकेंड, ऊपर से इस गाड़ी का हालात भी ऐसे, मुझे जितना तक लगता है ना यहाँ पर रॉन रहता नहीं है। यार अब मुझे ना पूछना पड़ेगा आस पड़ोस में, अगर मुझे कोई बंदा दिख जाए तो यार उसी को पूछना पड़ेगा कि यार तुम्हें पता है कि रॉन वगैरह कहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यार रॉन यहाँ पर अभी घर पे है नहीं। और उसके घर की हालात देखो ना, गाड़ी अलग फूट रखी, कांच वगैरह टूट रखे हैं उसके घर के शीशे के। लेट मी सी, अगर कोई मुझे दिख जाए यार, यहाँ पर स्टोर्स वगैरह है ना, क्या पता यहाँ पे कोई हो। इसके अंदर भी नहीं है गाइस, इस यार बार्बर शॉप के अंदर भी नहीं है। कोई बंदा मुझे दिखे तो सही जिससे मैं पूछ पाऊँ, बट यार दिख भी नहीं रहा है ना कोई, यार ऐसे पूछ भी नहीं पाऊँगा मैं तो। अरे यार समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ यहाँ पर। भाई मुझे घर वगैरह दिख ही नहीं रहा यहाँ पर यार कोई भी, कि जहाँ पर मतलब कोई बंदा वगैरह बाहर खड़ा हो जिससे मैं पूछ पाऊँ। अरे यार कोई बंदा दिख जा भाई, दिख जा दिख जा, कोई दिखने को कोई रेडी नहीं है, सभी को उस रोड पे ही घूम रहे गाड़ी के अंदर। भाई यार जितना तक मुझे पता था, अरे ये रहे बंदे ना, ये रहेगा इस बंदे, इनसे पूछ के देख लेता हूँ, ठीक है, ये बैठे हुए हैं, इन्हीं को पूछ के देखता हूँ कि भाई यहाँ पर रॉन रहता था वो कहाँ पर रहता है, ये क्या पता, ये ही बता पाए मुझे। सो ऑल राइट गाइज, यहाँ पर गाइज मैंने अभी ना पता करवाया कि रॉन रहता कहाँ है, और रॉन भाई कह रहे कि सामने वाले घर में रहता है। और एक सेकेंड, वो रॉन नहीं है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वो देखो वो गाड़ी में बैठा है। एक सेकंड, ये शेर रॉन ही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं गाड़ी अपनी ना घुमा, अरे 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 मुझे गाड़ी घुमा करना गाइस, यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो देखो वो कहीं जा रहा है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसके सामने आके गिड़ के रखू तो रुक 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 रुक, बारह 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 बारह, रॉन मैं हूँ माइकल। अरे कहाँ जा रहा है ये, साइड में भगा रहा है। अच्छा मैं भी साइड में भगा देता हूँ, एक मिनट, बीच रोड में मैंने भगा दी गाड़ी। ये डिप्रेस क्यों हो रखा है, एक मिनट, ये इतना सैड क्यों हो रखा है भाई साहब। एक तो मैं एक हैरान हो चुका हूँ, उन अंकल आंटी ने बताया कि भाई इस घर में रहता है रॉन, यहाँ पर सिक्योरिटी भी है। एक सेकंड, अब रॉन भाई क्या काम करने लगा, ये तगड़ी गाड़ी, और तुझे हुआ क्या है यहाँ पर। हाँ हाँ एक मिनट, चलो गाइस मैं ना इससे फटाफट से बात कर लेता हूँ कि ये क्या कह रहा है, और यहाँ मतलब इतना बड़ा आदमी ये बन कैसे गया यहाँ पर। सो गाइस यार अभी ना मेरी रॉन से बात हुई है एंड रॉन यार अभी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ट्रैवर की ना 1 साल पहले यहाँ पर डेथ हो गई थी, जो इसने मुझे बताया कि इनको ना एक सड़ी हुई बॉडी मिली थी, जो मतलब पता नहीं चल रहा था वैसे ड्राइवर है नहीं, बट उसके पास से ड्राइवर का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। और वो दिन गाइस जो बताऊँ ना, वो आज का ही दिन है जब उसकी पिछले साल डेथ हुई थी, तो इसलिए ना वो बस अभी सैड होकर यहाँ से गाड़ी लेकर ना निकल भी रहा था गाइस अपना
जहाँ पर गाइस कबर वगैरह नहीं होती सब जगह, वहीं पर ये जा रहा था कबर पर, उसको उसकी मतलब तो कबर देखने के लिए, तब भी गाइस इसलिए ये सैड हो रखा था। यार मैं अभी इस बात से हैरान हूँ कि ये बता रहा है ट्रैवर की डेथ हो चुकी है, तो यार जितना तक मुझे लग रहा है ना, मेरे बाकी फ्रेंड्स भी नहीं बचे हैं यार। मुझे भी नहीं पता क्या करूँगा, मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। और यहाँ पर रॉन भी देखो फुल सैड हो रखा है, क्यों? क्योंकि आप सभी को मैंने बताया ही है कि आज ही के दिन पिछले साल ट्रैवर की गाइस डेथ हो गई थी, इसने मुझे इतना बताया। अब यार उन इनको गाइस सड़ी हुई बॉडी मिली थी, वो भी नॉर्थ यंगटन में, क्योंकि यहाँ का एड्रेस था। तो यहाँ पर जब पुलिस पता करने आई थी तो तब गाइस रॉन को मिली थी, और रॉन ने सब कुछ फिर बताया कि मेरा दोस्त है ये वो वगैरह, कि 1 साल से गायब था, 1 साल बाद गाइस उसकी डेथ हो गई। अब 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को कि ये मतलब मिल ही नहीं पाया ट्रैवर से। देखो यार मैं भी कौन सा मिल पाया, मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ इस यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर। तो बट अब कर भी क्या सकते हैं हम लोग यार, ड्राइवर की डेथ हो गई है। और 1 सेकंड नहीं बंदा भाई, मैं बीच रास्ते में आ गया, सॉरी ब्रो, 1 मिनट। अरे अरे रहने दे रहने दे रहन भाई, रहने दे रहने दे, क्यों उसको तू डरा रहा है उस बंदे को? कोई नहीं, बाकी यार यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। जितना तक हमें पता था ना, अब हमारे फ्रेंड्स की तो गैस यहाँ पर डेथ हो चुकी है। तो तब जब गैस इसने मुझे बताया कि इसकी मतलब उसकी डेथ हो गई थी ना, उसके बाद गैस जो भी ड्राइवर के बिजनेस वगैरह थे फिर इसने हैंड ओवर मतलब खुद हैंड ओवर कर लिए अपने आप खुद ही। तो जो भी सब कुछ पैसे वगैरह थे ना, अभी इसी के पास आते हैं, तो इसी से इसने सब कुछ बंगलो वगैरह बना लिया यहाँ पर अपना सैंडी शोर्स के अंदर ही। ये भी सही है भाई, अभी अच्छा तो घर है वैसे इसका। बाकी रॉन कहाँ रह गया? 1 मिनट, अच्छा आ गया रॉन, तो गाइस यहाँ पर आ भी चुका है रॉन। और भाई रॉन यहाँ पर फुल सैड हो रखा है। कोई नहीं यार, थोड़ी ना इससे बातचीत करता हूँ एंड पता करते हैं कि यार अब हमें आगे क्या करना चाहिए। यार मेरी तो हालत ही बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी है, मेरे पीछे बंदे पड़ रखे हैं एव रूबी हो गए, कोई पता नहीं वो यहाँ पर आ जाए, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि यार जिस हिसाब से उन्होंने लगता है ड्राइवर को भी मारा है ना, वो मुझे भी मार देंगे, और भाई कोई भरोसा नहीं है इस चीज़ का। तो अभी हमें कुछ ना कुछ करके ना बातचीत तो अभी करनी ही पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है? अरे नहीं, आराम करने की कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम क्या ही करूँ, मुझे तो भाई टेंशन बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो गाइस अभी देखते हैं यार, राउंड से ना अभी बात वगैरह करते हैं एंड पता करते हैं कि यार अगर हम कुछ स्टार्ट कर पाएँ। देखिए यार इसके पास होगा इस बिज़नेस है अभी, अब अगर मैं इसके साथ स्टार्ट करूँ ना तो ही मेरा फ़ायदा है, क्योंकि यार आप सभी को भी पता है कि हमारे पास अभी ना ही कोई पैसा है ना कुछ है, और हमारा घर भी हमारे से मतलब छीन ही चुका है एक तरह से, तो किसी और का ही घर है वो, और क्या ही कर सकते हैं हम गाइस इससे, चलो बात ही कर लेते हैं फटाफट से हम। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर देखो यार मेरी बात ना रॉन से हुई है, तो रॉन कह रहा कोई दिक्कत नहीं, तू मेरे साथ काम कर रही है, ये इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट का काम करता है गाड़ियों का, तो कह रहा अगर तूने मेरा काम वगैरह देखना है ना तो आ चलते हैं हम वगैरह, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ना इसी की गाड़ी में चलेंगे। वो जो गाड़ी मैं लेकर आया हूँ ना भाई, वैसे ही वो चोरी करी हुई गाड़ी है, तो क्या ही फ़ायदा उसको लेकर जाने का, तो हम तो यार उसको यहीं से ले देंगे। बाकी इनकी सिक्योरिटी भी कितनी अच्छी है, आप सभी चेक कर सकते हो, ये भी सही है। बाकी इसकी ये वाली गाड़ी में ना फटाफट से बैठ जाते हैं एंड चलते हैं। कह रहा है कि इसका जो ड्राइवर ने मतलब बाय कर रखा था ना एयरपोर्ट, हम उसी एयरपोर्ट पर जाएंगे जो है मतलब यहाँ से मतलब ये लेक वगैरह पार करके, बट हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, इस लेक में से तो जा नहीं सकते क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं जाता, ऑब्वियसली बात है। तो उस साइड जो एयरपोर्ट है ना गाइज, वो ड्राइवर का था, बट अभी रॉन ही संभाल रहा उसको, तो उसी पे सब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता, वहीं पर आता सामान वगैरह, वहीं से शिप होकर फिर सीधा लॉस सैंटोस की तरफ जाता है। तो ये भी सही है, चलो ये काम बड़ी एवज हम कर सकते हैं इसके साथ। तो यार ये काम अगर हम करने लगे तो पैसे तो बढ़िया हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसने गाड़ी तो भगाई जाई है, चलते हैं फटाफट से एंड जा करना फटाफट से, देखते हैं कि भाई इसका काम वगैरह कैसा है वहाँ पर। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर हम लोग ना ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं इसके उस एयरपोर्ट पर एंड जाकर अभी देखते हैं कि गाइस काम वगैरह कैसा चल रहा है यहाँ पर। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भाई हम एयरपोर्ट पर आ तो चुके हैं, जितना तक मुझे याद है गाइस ये ट्रैवर का एयरपोर्ट है एंड ट्रैवर के एयरपोर्ट पे गाइस अच्छा ये काम वगैरह यहाँ पर चल रहा है। ओके ये भी सही है, चलो बढ़िया है, काम वगैरह चल रहा है यहाँ पर एंड अभी ना जाकर हम फटाफट से देख रहे थे यहाँ पर भाई 3 4 सॉरी 5 कंटेनर भी आ रखे हैं, और यहाँ पर 3 कंटेनर स्कूल भी चुके हैं। ऑल राइट भाई, यहाँ पर तो कुछ सुपर कार्स हैं जो मुझे अभी आगे दिख रही है ना, ये तो गैस लैम्बोर्गिनी सियान है, उसके साइड में गैस बुगाटी एडवांटेक, देन उसके साइड में गैस एक BMW M8। भाई साहब क्या ही बढ़िया लग रही है, और वहाँ पर भी कुछ कंटेनर्स वगैरह रेडी खड़े मतलब ट्रक के ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि गाइज कि वो यहाँ से निकल क्यों नहीं रहे यार, कोई टाइमिंग होती है जाने की, क्या पता उसी की वेट में हो।
बट ये भी सही। और एक सेकेंड, ये हेलीकॉप्टर में आता है क्या सब कुछ कंटेनर्स वगैरह? जिस हिसाब से कहे, जिसके नीचे एक मैग्नेटिक एक चीज़ लगी हुई है ना, मुझे तो यही लगता है कि गाड़ी वगैरह ऐसे आती है। और वो देखो, रॉन अभी बात कर रहा है अपने वर्कर से कि जल्दी से ना बाकी कंटेनर्स भी खोल दो और काम वगैरह डन कर दो। अरे यार, ये तो बढ़िया चीज़ नहीं होगी, बताओ? ये बढ़िया चीज़ है, क्योंकि यार ये तो अपना वर्कर से बात कर रहा है और गाड़ियाँ तो चेक करो कितनी ही बढ़िया गाड़ियाँ हैं, और ये बता रहा है कि ये ही सब हमारा काम है। यहाँ पर देखो कितनी खतरनाक खतरनाक गाड़ियाँ आ रखी हैं। और भाई ये गाड़ी देख कर ना, मतलब अलग ही फीलिंग हो रही, क्या ही मैसिव गाड़ी है। और उसकी लाइट्स तो चेक करो भाई साहब, ये गाड़ी भाई तगड़ी है। जो मर्जी कहो, ये गाड़ी तो गाइस तगड़ी है। ऊपर से बुगाटी एंटवर्टिंग है, आप सभी को पता होगा, अगर आप सभी ने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी ना, हमारे पास भी गाइस ये वाली गाड़ी थी, ठीक है। एंड गाइस, ये M8 BMW की, पीछे से इसके ऊपर दिखाऊं, क्योंकि इसका पीछे से खुल रखा है, इसका नहीं खुल रखा पीछे से, इसका खुल रखा है कंटेनर पीछे से भी। तो भाई ये देखो आप सभी, भाई साहब पीछे से भी क्या ही तगड़ी लुक है इसकी। यार ये गाड़ी भी ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे। बाकी अभी ये 2 कंटेनर सभी इन्होंने लोगों ने ना खोल नहीं रखे, कोई नहीं। बाकी यार काम वगैरह तो ये बढ़िया, भाई मैं तो रेडी हूँ रॉन ये काम करने के लिए तेरे साथ। भाई गाड़ियाँ वगैरह ना आएंगे ना एक्सपोर्ट होकर, तो हम भी उन्हीं वर्कर्स की तरह ट्रक में लेकर जा सकते हैं। हाँ यार, काम वगैरह तो बढ़िया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी ना गाइस, मैं रॉन से बात कर लेता हूँ कि मैं तो इस काम के लिए रेडी हूँ, एंड कुछ अभी काम है तो जल्दी तू बता दे, फिर हम काम वगैरह कर लेते हैं। और ये बता रहा है कि ये वाला जो हेलीकॉप्टर ना, इसी में सब कुछ आता है, और ये मैग्नेटिक वगैरह। हाँ, मैंने देख लिया भाई, ये बढ़िया है भाई, हेलीकॉप्टर तो बढ़िया चीज़ है। 3 सीटर है भाई इसकी, एक ही देखो यहाँ पर भी एक सीट लगी हुई है, जिससे ये बंदा यहाँ पर देख सकता है कंटेनर वगैरह बढ़िया मतलब चिपका हुआ है ना ढंग से या नहीं। ये एक बंदे की सीट यहाँ पर है, तो ये तो चलो बढ़िया सीन। चल भाई रोन, मैं तो रेडी हूँ, बता भाई अगर मुझे काम कुछ स्टार्ट करना है तो कोई मतलब पेपर वर्क करना है या नहीं करना, बता दे भाई तू। सो ऑल राइट गाइज, यहाँ पर ना देखो, कुछ सिग्नेचर्स वगैरह ना रॉन ने मेरे से करवाए हैं कि अब तू यहाँ पर वर्कर है, मतलब बस सही बताऊँ ना, चलो बढ़िया। हमने काम वगैरह ना इसके साथ ज्वाइन वगैरह कर लिया, इसने करवा भी दिया हमें ज्वाइन। एंड इसने कहा है कि अब देख तू काम के लिए तो देखो यहाँ पर आ चुका है और काम कर भी सकता है, तो तू क्या करना, इनमें से एक गाड़ी डिलीवर करके आ तेरी खुद की चॉइस की। कौन सी करके आऊँ, ये BMW सही रहेगी यार, BMW ज़्यादा बढ़िया लगती है। वैसे तो यार लैम्बोर भी बढ़िया है, लैम्बो भी बढ़िया है, चलो लैम्बो ले जाते हैं आप सभी के लिए ना, लैम्बो लेकर जाते हैं। भाई ये गाड़ी निकलवा दो और चाबी वगैरह ले आओ इसकी। फिर हमने कहा था रॉन किधर कुछ हो गया, एक मिनट, रॉन किधर को गया मुझे नहीं पता वो कि, अच्छा ये रहा, चाबी लेने गया था। आ जा, वो गाड़ी निकाल दे मेरे लिए, फिर आराम से मैं इसको लेकर चल जाऊंगा और डिलीवर कर कर आ जाऊंगा। और इसने बताया कि सिटी के अंदर जाना भाई डिलीवर करने, और तुझे मैं लेने आ जाऊंगा। मैं मतलब ये भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगा, कहता मैं हल्का सा पेपर वर्क करके बस तेरे पीछे ही आ जाऊंगा अपनी इस गाड़ी के अंदर। चलो कोई नहीं, बाकी ये गाड़ी मेरे लिए निकाल दे, देन फिर गाइस हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। सो ऑल राइट गाइज, यहाँ पर ना देखो रॉन ना गाड़ी पे बैठ चुका है, और मेरे लिए गाइज इसने गाड़ी बाहर निकाल दी है। गाइज ये भाई गाड़ी को हम ना डिलीवर करने वाले हैं, ये भी सही है। और इसने कहा है कि तेरे स्किल्स हमें इसी से पता चलेगा कि अगर तू इसको ड्राइव करके लेकर जाएगा ना कि कंटेनर के अंदर, ठीक है। चलो बाकी यार ये काम भी बढ़िया ही है, और अपना फटाफट से ना अब जाकर गाड़ी में हम लोग ना बैठ जाते हैं। चल रॉन, तो अपना पेपर वर्क डन कर, फिर हमारे पीछे आ जाइयो तू। और फिर कह इसको कि यार यही तो मुझे लेने आएगा ना, मैं वापस कैसे आऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम ना गाड़ी लेकर तो निकल चुके हैं। एंड क्या लाइटिंग है इस गाड़ी के ऊपर, क्या ही बढ़िया लग रही है ये गाड़ी, मैं सही बताना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक ही लग रही है गाड़ी। चलो कोई दिक्कत नहीं, और मज़ा भी आ रहा है इसको भगाने में, भाई साहब क्या भाग रही है ये गाड़ी, मज़ेदार। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये कौन है भाई? ओ भाई हट जा, कौन है? ओ एक सेकेंड एक सेकेंड, तेरी गन दिखाता मुझे एक। ओ देखो उस बढ़ने लग गया एक बंदा उससे, ओ भाई मैं पीछे हो जाऊँ, और उसने उसको मार भी दिया। अरे मैं अपनी गन, अरे मेरी गन कहाँ है? ओ तेरी गाड़ी में कहाँ बैठ रहा है? चल तेरी, रुको 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 रुको, कैसे बंदा गाड़ी जाके भाग गया? अरे यार ये तो बाइक इतनी भाग भी नहीं रही, वो देखो वो कैसे जयपुर की नहीं जाकर हमारी भाग चुका है। अरे भाई मैं अभी गाड़ी जाकर निगरानी, और गाड़ी चोरी भी हो चुकी है। एक सेकेंड, अरे किस साइड को गया वो, गया किधर को वो भाई, वो गया किधर को वो बंदा? अरे यार इतनी तेज है वो बंदा, भगा गाड़ी भगा के गया ना, और अब मुझे वो दिख, अरे एक सेकेंड वो दिखी मुझे पीछे गाड़ी, वो दिखी वो जा रही है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड,
वो जा रही है गाड़ी भाई साहब, फटाफट से ना इस कच्चे रास्ते से भगा करना। पर देखो तो सही वो गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है। एक सेकंड, अरे पीछे एक मिनट, रॉन की गाड़ी है क्या पीछे? अब मुझे पता नहीं लगता है रॉन की गाड़ी है। एक तो दूर से दिख भी नहीं रहा ढंग से, ये रॉन की है शायद, वो भगाई ऐसा रहा है ना, पता लग गया मुझे रॉन की गाड़ी है वो। और एक सेकंड, ये भाई ओ ठोक 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 दी इसने तेरी, ऐसे ऐसे बाहर निकल बाहर निकल। और वो देखो वो देखो, अरे यार एक सेकंड भाई साहब, ये बड़ा गंदा बंदा है यार। एक तो अभी मैं जस्ट निकला ही हूँ गाड़ी लेकर, और भाई ये बंदा आ भी गया मेरे पीछे। अरे यार एक सेकंड, मुझे अभी जा करना जैसे तैसे करके बस इस गाड़ी को ना लेना पड़ेगा। और एक तो मेरे पास गन भी नहीं है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है यार। मेरी वो गन ही उस गाड़ी के अंदर रह गई। शिट यार, जो यार मैंने वो गन चुराई थी ना वहाँ से। और एक सेकंड, पानी के अंदर जा रही है गाड़ी वो। भाई भाई भाई, पानी के अंदर गई तेरी ऐसी की तैसी। मुझे वापस से जाना पड़ेगा इसके ऊपर। आ जा आ जा आ जा बेटे, आ जा, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल, मार इसको मार इसको। मैंने गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड भाई साहब, अपनी गाड़ी फंस गई। अरे यार बड़ी गंदी वाली गाइस गाड़ी फंस चुकी है। ओहो अपनी बड़ी यार, धक्का मार सकता तो मार जल्दी यार रॉन। भाई गलत गाड़ी फंस गई, और मेरे हिसाब से ना किस, ओहो टायर भी फट चुका है इस गाड़ी का। नहीं 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 अरे 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 अरे, गाड़ी तो देखो यहाँ से निकल चुकी है जैसे तैसे करके, बट यार इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अरे यार एक सेकंड, ये बम कहाँ से आ रहा है भाई? ये बंदा है कौन? मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। मैं पहले ना यहाँ से गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करूँ, पर रॉन अपने आप संभाल लेगा क्योंकि उसके पास गैस गन वगैरह भी, मेरे पास 1% भी गैस गन नहीं है। तो यार मुझे ना यहाँ से देखना पड़ेगा। ओहो मेरी गाड़ी चल ही नहीं रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या यहाँ पर? और मुझे बम, भाई मेरे पास बम क्यों आ रहे हैं? अरे यार एक तो इसका टायर पंचर होगा ना, मेरी यहाँ से गाड़ी निकल नहीं रही। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे यार निकलना तो पड़ेगा। और एक सेकंड भाई, ये बंदा है कौन? रॉन, अरे सॉरी सॉरी रॉन, एक बंदूक दे मुझे फटाफट से, एक जल्दी बंदूक दे इसको मारो। अरे 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 अरे, बंदूक दे जल्दी एक। सो राइट गाइज, यहाँ पर ना देखो मैंने कर नहीं दिया रॉन को, मैंने कहा है कि तू ना गाड़ी को देख। और रॉन सैड और हो चुका है क्योंकि यार इसकी गाड़ी है ना, गाड़ी की बहुत ज़्यादा गंदी रास्ते से हो गई। मुझे उस बंदे को देखना पड़ेगा कि वो किस साइड को गया, अभी तो इधर की तरह ही भाग रहा था। अरे यार मुझे पता नहीं, अरे एक सेकंड यही है ना वो बंदा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये जा रहा है, चल तेरी किधर है? क्योंकि तो उसकी गाड़ी पे ना मैं टायर पंचर करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड भाई, फटाफट से ना इसकी गाड़ी का टायर पंचर करूँ। और मैंने ना गन ले ली थी रॉन से। अरे यार ये SUV है ना, एक तो भाग भी नहीं रही, वो सुपर बाइक के अंदर है, कैसे भागूँ इसके पीछे? एक सेकंड किधर को गया? अरे गया किधर को ये भाई? जाकर देखना पड़ेगा मुझे कि भाई क्या कर रहा है, कौन है ये बंदा? एक सेकंड यार, देखे तो सही, एक तो मैं भाई पास पहुंच जाऊँ ना इसके, मैं बड़ी गंदी बाजी गाइस अपनी एक गाड़ी ना इसके टोक दूंगा। अरे एक सेकंड, ये देखो कैसे चला रहा है भाई साहब, क्या स्टंट मार रहा है ये बंदा भाई। ये कुछ ना कुछ तो भाई अलग ही बंदा है। मुझे जाकर ना इसके पास ही देखना पड़ेगा, एक मिनट फायर करूँगा इसकी बाइक पे, अगर इसकी बाइक का टायर वगैरह पंचर होते हैं। एक तो हो भी नहीं रहे ना यार, समझ नहीं आ रहा। और एक सेकंड, बॉम्ब इसी ने फेंका क्या, या पीछे से आ रहा है बॉम्ब? मुझे नहीं पता गाइस बॉम्ब कहाँ से आ रहा है, बट देखना पड़ेगा। ओके ऑलराइट गाइस, एक सेकंड, वो अपनी वो गाड़ी खड़ी है, बट उसका भी क्या ही फायदा, उसके अंदर से कौन सा हमने गन लेनी है? गन तो मैंने ले ली अपनी रॉन से, एंड इसके अंदर एमोस भी ज़्यादा है। उसके अंदर अगर थी भी बस 30-35 MO। और चल तेरी रुक है, चल तेरी रुक 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 रुक। एक सेकेंड, कहाँ भागेगा ये, कहाँ भागेगा? दिखे तो सही। एक सेकेंड, और ये कौन है इस वैन के अंदर कौन? अरे रॉन है क्या इसके अंदर? हो भाई रॉन किसी की वैन लेकर आ गया गाइस। एक सेकंड, वो किधर को गया? अच्छा इधर को गया। ऑलराइट भाई रॉन किसी की वैन लेकर आ चुका है, और ये बंदा गोल गोल घुमा रहा हमें। भाई जाएगा कहाँ पर ये, जाएगा कहाँ पर? मैं ना यहाँ से ही कट ले लेता। और बड़ी गंदी वाली गाड़ी फंस गई थी हमारी, मतलब फंस ही चुकी थी ऑलमोस्ट, बट फंस नहीं भाई। और वो जा रहा देखो सामने। एक मिनट भाई, यार करना क्या चाहता है ये बंदा? अरे 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 अरे, गाड़ी की बड़ी गंदी हालत हो चुकी है, बट जैसे तैसे करके ना इस बंदे का हमें पीछा करना ही पड़ेगा। एक तो यार ये बंदा भाई क्या करना चाहता है, अब कहाँ भाग रहा है? या तो एकदम एक तो भाग जाए, भाग भी नहीं रहा, हमें गोल गोल घुमा रहा है सिटी के अंदर, ये मतलब सैंड रिसोर्स के अंदर। भाई पता नहीं क्या करना चाहता है, बट जो भी है इसको भाई मैं पकड़ के तो रहूँगा, इसकी ऐसे ऐसी करूँगा। ओके तेरी, अरे अच्छा ये तो रॉन नहीं, मुझे अगर रॉन है ये भाई, क्योंकि वो भी ऐसी सी वैन के अंदर ही घूम रहा है ना।
मुझे लगा कि रॉन है, बट रॉन नहीं है ये। ओहो किधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है, ड्राइवर के घर की तरफ आ गया था। बट वापस हम घूम चुका, और एक सेकंड हमारी गाड़ी पूरी घूम गई थी। एक सेकंड किधर गया, वो जा रहा सामने। अरे यार क्या चाहता है, और एक सेकंड ये कहाँ से कुता दी इसने गाड़ी। भाई साहब मैं भी ट्राई करूँ क्या, चल तेरी आ जा। और मैं भी पहुँच गया, अब मैं ऊपर आ गया तो नीचे चला गया। वाह बड़ा तेज है ये कैसे ये बंदा। अरे यार एक सेकंड कहाँ जाएगा, कहाँ भाग के जाएगा ये बंदा। जो मर्जी हो जाए पकड़ के तो इसको मैं रहूँगा ही। अरे यार एक सेकंड, तो एक मिनट, दो तो बाइक आ रही समझ। अच्छा वो राइट में जो घूमे ना वो ही है वो, अब समझ आ गई। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। किधर गया किधर गया, वो जा रहा, चल तेरी। रुको रुको अभी फटाफट से ना इसका पीछा तो करना पड़ेगा। और वो देखो वो अब इस साइड को जा चुका है। वाह भाई समझ नहीं आ रही कि अब करूँ तो करूँ क्या। ओहो गाड़ी भी पलट गई थी। एक मिनट यहाँ पर देखूँगा, छुप के रहो अगर वो आ पाए। ये देखो ये रहा ना, इसको गोली मारता हूँ फटाफट से। चल तेरी चल तेरी, कहाँ भागेगा ये। एक सेकंड भाई, बम वगैरह ये लेकर आ रखा है भाई, क्या टेररिस्ट है ये बंदा, इसके पास बम वगैरह भी हैं। एक सेकंड भाई साहब वो भी हाथ, अरे 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 ग्रेनेड फेंक दिया था इसने मेरे रास्ते में भाई साहब, और एक और फेंक रखा है भाई। करना क्या जाता है, क्या है ये बंदा, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही इस बंदे की। भाई एक तो गोल गोल घुमा भी रहा है, या तो कल से भाई जान बूझ के आया है, या तो मुझे सही बताऊँ जितना तक मुझे अभी लग रहा है ना, ये एरूबियो का ही बंदा है ये। भाई गाड़ी गुड़ी चुराने नहीं आया था ये, मुझे ही कुछ करने आया था। और देखो ना अभी मारने की कोशिश भी कर रहा है बम वगैरह से, वो भी उड़ाने की कोशिश कर रहा है, बट इसके बम वगैरह ना अभी चूक रहे हैं। बट ये भगा रहा है गाड़ी, और देखो भाई फिर से फेंक रहा है बम। ओ तेरी भाई साहब, शुक्र है बड़ी गंदे तरीके से मैं गाड़ी पे सही टाइम पे निकल गया। ओ माय गॉड एक सेकंड वो गया किस साइड, अरे अरे आई भाई साहब बड़ा गंदे वाली अभी चोट लग चुकी है मेरे। आप सभी देख सकते हो पैर वगैरह पे मेरे गोटा वगैरह छिल चुका है, और सिर पे भी बड़ी गंदी चोट लग गई है। अब गाइस वो पता नहीं वो किस साइड को जा चुका है। एक सेकंड ये बाइकर कौन है, ये तो नहीं है वो, ये नहीं है वो बंदा, ये नहीं है। बट उसने ये रोहन की गाड़ी फोड़ दी यहाँ पर। वाह फायर ब्रिगेड सबसे पहले आई है यहाँ पर, फायर ब्रिगेड सबसे पहले आई है। मुझे जैसे तैसे करके ना यहाँ से निकलना तो पड़ेगा, इस बंदे की गाड़ी चुरा के देखूँगा। चल तेरी, मुझे बाइक दे अपनी, बाइक दे अपनी। अब गाइस मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, एक मिनट मुझे देखो तो सही। वो देखो गोली मारने लग गया, चल तेरी तू भी गोली मारेगा क्या भाई। यहाँ पर सैंडी शॉर्ट्स के अंदर ना बहुत सी गोली, और एक सेकंड ये तो अपना वो आ गया रॉन, रॉन रॉन चल 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 भाग भाग। वो उस साइड को गया था सीधे वाली साइड को, जल्दी से भगा बाइक को, और बाइक को करूँ गाड़ी को एंड जा करना। अभी देखना पड़ेगा कि यार वो किस साइड को गया यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है, हमें ढूंढना तो जैसे। एक सेकंड वो रहा इसकी छत पे है, ये देखो इसकी छत पे है। एक सेकंड कहाँ पर गया, किधर गया किधर गया, मुझे दिख नहीं रहा अभी। वो रहा चल तेरी, किधर गया। एक तो इसकी हल्का हल्का मुझे हेड दिख रहा था, बट भाग भाग रहा है वो भाई, भाग रहा भाग रहा है वो। देखो भाग गया, अरे किधर, वो देखो ऊपर पर छत पे घूम रहा है वो, देख चल तेरी। अरे यार मुझे यार एक तो गोली नहीं लग पा रही मेरी यार, समझ नहीं आ रही। एक तो वो एक जगह टिक भी नहीं रहा है ना, पूरा छत पे। ये रुक रॉन, मुझे गाड़ी दे रॉन, उधर गाड़ी से मैं बैठता हूँ इस दूसरी साइड पे, अभी मैं बताऊँगा इसको। रॉन बैठ गाड़ी में, बैठ जल्दी आ जा रॉन बैठ। अभी मुझे देखना पड़ेगा जैसे तैसे करके ना यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। वो देखो वो रहा ना अभी, ये देखो भाई कैसे छलांगे मार रहा है छत पर। एक सेकंड पीछे कोई है नहीं ना, अब बताता हूँ जिसको मैं अब बताता हूँ। अरे नीचे आ गया, वाह नीचे ही आ गया ये बंदा, ये देखो ये जा रहा है। चल तेरी भाई, एक तो ये बंदा बाइक के अंदर है ना, इसी जगह से बंदा भाग पा रहा है, नहीं तो यार अगर ये गाड़ी के अंदर होता ना भागता ही। अरे यार कैसे गाड़ी कैसे घुमा रहा है, एक तो रोक भी नहीं रहा है ये बंदा। अभी वाह ओहो हो छत पे पहुंच गया ये। एक सेकंड ओके ऑलराइट। और ये देखो ये रहा ना, ये रहा, हाँ कहाँ भागेगा, चल तेरी कहाँ गया ये रहा, कहाँ भागेगा कैसे। देखो बंदा भागने की कोशिश कर रहा है, चल तेरी रुक किधर गया ये भाग रहा है इधर को। एक सेकंड किधर गया, ये रहा ये देखो। ओ तेरी ओए भाई सब बम वगैरह फोड़ दिया इसने, और एक सेकंड नीचे भाग गया। अरे यार मुझे उठना पड़ेगा, ये चल तेरी चल भाई, आर्मर पहन रखा क्या। ओ भाई गया इसको ना इतनी गोलियां मार दूंगा। अरे 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 आराम से।
एक मिनट, इसके पास जाना पड़ेगा। मैं जाकर देखता हूँ कि ये गया क्या, मर गया क्या। एक सेकंड, ये देखो मारी दिया हमने फाइनली इसको। ओ भाई साहब, क्या था ये बंदा, और गाड़ी के नीचे दे दिया। चल भाई भाई, भाई, भाई भाग यहाँ से, कोई पता नहीं पुलिस वाला ना आ जाए, क्योंकि इतनी देर से हम फायरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ओ वाह, गाड़ी फंसा दी क्या, निकाल यहाँ से गाड़ी फटाफट से, कोई भरोसा नहीं गाइस यहाँ पर पुलिस वाला ना आ जाए। वापस है ना, अब तू अपने उस लैम्बोर्गिनी के पास लेकर चल पड़, क्योंकि वो तुझे बताना लैम्बोर्गिनी की हालत क्या हो चुकी है। सो गाइस यार, भाई यार फाइनली ना उस बंदे को हमने मार दिया, एंड यार अब यहाँ से ना हम निकल चुके हैं उस लैम्बोर्गिनी की तरफ, जो इसने भाई बंदे ने हालत ख़राब कर दी थी लैम्बोर्गिनी की। बट मैं सही बताऊँ ना यार, पता नहीं कौन था ये बंदा, या तो मुझे भाई एलरूबियो का बंदा लग रहा था, या तो कोई रॉन का ही दुश्मन था, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो गाइस यार, आप सभी जाकर ना एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि ये बंदा किसका था यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था किसका बंदा था, बट आप सभी जाकर एक बार गैस कर सकते हो। तो आप सभी जाके कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है गाइज। आप सभी जाकर ना फटाफट से बता देना, एंड वीडियो को गाइस फटाफट से ना लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। ठीक है गाइज, मिलते हैं नए ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक मेरी तरफ से सी यू अगेन।